हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ आशु टॉक्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको HCL कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, बीएससी किया है, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल में अप्लाई कर सकते हैं। सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सभी चीज हम आगे की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, बात कर लेते हैं HCL की जॉब के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेशर्स इंजीनियर, यहाँ पे आपको HCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाते हैं, HCL करियर्स के वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है प्रोग्राम ड्यूरेशन 6 मंथ, स्टार्टिंग सैलरी देखने मिल जाती है 2.6 टू 2.6 LPA। ठीक है, ये आपकी सैलरी होने वाली है। और प्रोग्राम फी देखने मिल जाती है ₹1.1 लाख प्लस अप्लीकेबल फी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट देखने मिल जाता है, अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है और बीसीए किया है, बीवोक किया है, एमसीए किया है, एमएससी किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एमएस विथ नो प्रायर एक्सपीरियंस और अप टू 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यही बेसिक यहाँ पे आपको फील्ड देखने मिल जाती है, अगर आपने इस पर्टिकुलर फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है 65% एंड अबव मार्क इन क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आपके 65% से अबव मार्क होने चाहिए 12th में, ग्रेजुएशन में, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें भी। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ ग्रेजुएशन देखने मिल जाता है 2017, 18, 19 एंड 20, 20 पास आउट बैच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी चीजें देखने मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है, उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, 4 स्टेप की प्रोसेस है, ये आपको कंप्लीट करना होगा। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। प्रोग्राम ड्यूरेशन देखने मिल जाता है 6 मंथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और देखने मिल जाते हैं 3 मंथ वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग होने वाली है, 3 मंथ प्रोफेशनल पार्टिकल टर्म एट HCL टेक्नोलॉजी। तो ये आपको सभी चीजें देखने मिल जाती है। करियर पाथ देखने मिल जाते हैं, बहुत सारे करियर पाथ जो यहाँ पे मेंशन किए गए, वो सभी चीजें आप रीड आउट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम HCL के करियर पेज पे ही है दोस्तों, दूसरे जॉब के लिए आ चुके हम। HCL फर्स्ट करियर ग्रेजुएट प्रोग्राम एडवांटेज। ठीक है, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर देख सकते हैं, यूजी साइंस और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। तो अगर अपने साइंस और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से अंडर ग्रेजुएट हो आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ITCS को प्रायोरिटी दी जाएंगी और आपके 60% से अबाव स्कोर होने चाहिए 12th में और ग्रेजुएशन में। ठीक है, और आपके करंट बैकलॉग नहीं होने चाहिए, नो स्टैंडिंग एरियाज यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ पे आपका ऑनलाइन HR स्क्रीनिंग एक एक्स्ट्रा जाता है, VNA इवेलुएशन होने वाला है, उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू। तो ये सभी चीजें देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको 3 मंथ का प्रोग्राम ड्यूरेशन देखने मिल जाता है, जहाँ पे 2 मंथ की ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग होने वाली है और 1 मंथ की प्रोफेशनल पार्टिकल प्रैक्टिकल टर्म एट HCL टेक्नोलॉजी। तो यही चीजें मेंशन की गई है, आप सभी चीजें रीड आउट कर सकते हो एंड इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों ही अपॉर्चुनिटी के बारे में पसंद आया होगा एंड सभी चीजें समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।